यूट्यूब के इस चैनल में सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर फोकस करेंगे। कुछ खबरें एसटीटी संबंधित होगी तो कुछ शिक्षक नियोजन संबंधित होगी। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे इंटर में 50% से कम अंक वाले चयनित अभ्यर्थियों पर जो है दे सकते हैं अभ्यर्थियों के नियोजन पर, दर्जन भर अभ्यर्थियों के नियोजन पर तलवार लटकी है। तो शिक्षक नियोजन संबंधित बड़ी खबर आ रही है। आगे देखिए, पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। परीक्षा का रिजल्ट कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद लागू होगा। पटना हाईकोर्ट टीटी एसटीटी पास नियोजित शिक्षक संघ दे सकेंगे प्रधान शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा। तो जैसा कि विवाद चल रहा था, अब कहीं ना कहीं विवाद सुलझता हुआ नज़र आ रहा है। कार्यालय का एक बड़ा आदेश जारी किया गया है और इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण लिखा गया है वो आप देख सकते हैं। जो नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, पंचायत निर्वाचन 2021 शिक्षकों का वेतन भुगतान प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए देखिए जो है कार्यालय का आदेश जारी हुआ है। वहीं देखिए, एसटीटी संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर सामने उभर के आ रही है, इस पर भी हम फोकस करेंगे। तो चलिए वीडियो को विस्तार शुरू करते हैं। तो देखिए गाइज, महत्वपूर्ण खबर सामने उभर के आ रही है। प्रमाण पत्रों की जांच में हुआ बड़ा खुलासा, सूची हो रही है तैयार। इंटर में 50% से कम अंक वाले चयनित दर्जन भर अभ्यर्थियों के नियोजन पर लटकी तलवार। तो बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है शिक्षक नियोजन को लेकर, कि इंटर में 50% से कम अंक वाले चयनित दर्जन भर अभ्यर्थियों के नियोजन पर लटकी है तलवार। तो अब बड़ा खुलासा हुआ है, जिनका इंटर में 50% से कम अंक है उनके लिए दे सकते हैं एक बुरी खबर हो सकती है। क्या कुछ इसमें लिखा गया है ज़रा विस्तार से हम पढ़ते हैं, दे सकते हैं गाइज। यहाँ पे लिखा है कि नियोजन को लेकर विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन को धत्ता बता, सामान्य कोटि के में इंटर में 50% से कम मार्क्स वाले चयनित किए गए दर्जन भर अभ्यर्थियों के नियोजन पर तलवार लटक रही है। छठे चरण की प्राथमिक शिक्षा की काउंसलिंग के दौरान चयनित हुए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान यह मामला खुला है। तो दे सकते हैं गाइज, यहां पे 50% से जो कम अंक वाले हैं उनके लिए एक बुरी अपडेट सामने उभर के आ रही है, क्योंकि उनके नियोजन पर तलवार जो है लटकती हुई नज़र आ रही है। तो दे सकते हैं, यहाँ पे साफ तौर पर लिखा गया है। आगे देखिए क्या अपडेट है इसी में, गाइडलाइन की अर्हता को पूरा नहीं करने वाले सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों का भी हुआ है चयन। तो दे सकते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिन्होंने गाइडलाइन का पालन नहीं किया है उनका भी चयन हुआ। दे सकते हैं, दरअसल बीते दिनों छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक के लिए ज़िले में काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की गई है। काउंसलिंग में 610 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। यहां शिक्षक नियोजन में अभ्यर्थियों को चयन के लिए विभाग ने नियोजन इकाई को गाइडलाइन जारी किया था, इसमें निर्देश भी दिया गया है। दे सकते हैं गाइस, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि निर्देश दिया गया था। दे सकते हैं, लिखा है इसमें साफ तौर पर लिखा है कि यहां शिक्षक नियोजन में अभ्यर्थियों के चयन के लिए विभाग ने नियोजन इकाई को गाइडलाइन जारी किया था, इसमें निर्देश दिया गया था कि सामान्य कोटि में इंटर में 50% से अधिक अंक वाले हो अब वाले ही अभ्यर्थियों का नियोजन इकाई द्वारा काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। तो देख सकते हैं, इन्होंने कहा था कि 50% से अधिक वालों को ही काउंसलिंग होगी। गाइडलाइन के बाद भी नियोजन इकाई द्वारा एक दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों का चयन किया गया जिसका सामान्य कोटि इंटर में 50% से कम मार्क्स है, इसके बाद भी उनका चयन कर लिया गया। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद विभागीय निर्देश पर चयनित सभी अभ्यर्थियों का मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। मूल प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान मामला सामने आ रहा है कि जिलों में एक दर्जन ऐसे अभ्यर्थी हैं का चयन किया गया है जिनकी विभाग द्वारा गाइडलाइन की अर्हता पूरा नहीं किए हैं। दे सकते हैं गाइस, किस प्रकार से फर्जीवाड़ा सामने उभर के आ रहा है, कैसे चयन किया जा रहा है और उसके बाद चयन को निरस्त किया जा रहा है। साफ तौर पर चींटी चाल जो है वो प्रक्रिया चलाई जा रही है। देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे काउंसलिंग को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा 1100 नियोजन इकाइयों में 15 दिसंबर के बाद होगी काउंसलिंग। तो प्रधान सचिव का एक बड़ा बयान सामने उभर के आया है।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव का एक बड़ा बयान आया है कि 1100 निजी निकायों में 15 दिसंबर के बाद होगी काउंसलिंग। तो देख सकते हैं प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बहाली मामले पर 1100 निजी निकायों में 10,000 पदों के लिए लगभग 1,00,000 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 15 दिसंबर के बाद होगी। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे लिख दिया गया है कि भाई 1,00,000 अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग है वो 15 दिसंबर के बाद होगी। तो फाइनल तिथि यहाँ पे बता दी गई है। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने काउंसलिंग कराने के लिए अनुरोध करने आए, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है साफ तौर पे। इसी प्रकार जो शिक्षा विभाग से जुड़े कई लोग जो हैं इन प्रधान सचिव से मिले हैं। शुक्रवार को शिक्षक निदेशक सहित शिक्षा विभाग से जुड़े मामलों को अपर मुख्य सचिव सहित माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार, प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह, विशेष सचिव, देख सकते हैं यहाँ पे सबका नाम जो है वो लिखा गया है। और बताया गया है कि इन लोगों ने यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि सतीश चंद्र झा ने सुना चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की मांग पर अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जांच कराए बिना इस बार नियुक्ति पत्र नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों ने कहा कि दूसरे राज्यों की सर्टिफिकेट जांच में देर हो सकती है। इस पर अपर मुख्य सचिव ने साफ तौर पर अपना बयान दिया है। तो अपर मुख्य सचिव का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ लिखा है कि बांका जिला के बौसी प्रखंड के कंगारू जबड़ा नियोजन इकाई से चयनित अभ्यर्थियों ने अनुरोध किया है कि जिन अभ्यर्थियों का गलत चयन किया गया है उन्हें चयन मुक्त कर सही अभ्यर्थियों का चयन रद्द नहीं किया जाए। इस पर 10 दिनों में बांका के डीओ से रिपोर्ट लेने की बात कही गई। तो देख सकते हैं इस साफ तौर पर लिखा गया है और बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है और कहा जा रहा है कि भाई इन अभ्यर्थियों का नियोजन रद्द नहीं किया जाए। वहीं देखिए हाई कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को दी है राहत, टीटी उत्तीर्ण सभी शिक्षक प्रधान शिक्षक की परीक्षा में शामिल होंगे। तो बड़ी अपडेट्स हाई कोर्ट पटना के द्वारा आ रही है। पटना हाई कोर्ट ने एक बड़ा बदलाव किया है, आदेश जारी कर दिया है कि अब टीटी उत्तीर्ण सभी शिक्षक जो हैं प्रधान शिक्षक की परीक्षा में शामिल होंगे। जैसा कि पहले से ये चल रहा था विवाद कि प्रधान शिक्षक के लिए टीटी एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए, तो कहीं ना कहीं पटना हाई कोर्ट से मुहर लग चुका है। पटना हाई कोर्ट ने टीटी व एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ को अंतरिम राहत देते हुए, देख सकते हैं यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि राहत दी है, हाई कोर्ट ने राहत दी है, प्रधान शिक्षक पद पर बहाली की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता संघ द्वारा प्रधान शिक्षक नियुक्ति नियमावली को भ्रामक बताकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। तो देख सकते हैं पहले से ही अपडेट आ रही थी, पटना हाई कोर्ट की खंडपीठ ने टीटी एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ की अंतरिम राहत देते हुए याचिकाकर्ता को प्रधान शिक्षक की परीक्षा लेने की अनुमति इस शर्त के साथ दी है कि परीक्षा का परिणाम इस मामले पर कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। तो देख सकते हैं गाइस जो इसका रिजल्ट जारी होगा वो भी कोर्ट के फैसले के बाद ही जारी होगा। इधर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि आदेश देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो एक बड़ा अपडेट सामने उभर के आ रहा है, पटना हाई कोर्ट का आदेश है, विभाग ने इसमें बातें भी की है, अब देखना है कि भाई आगे क्या कुछ होता है। आगे देखिए कार्यालय का एक बड़ा आदेश जारी किया गया है, शिक्षकों के वेतन भुगतान एवं प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए अति महत्वपूर्ण कार्यों के संपादन के लिए, देख सकते हैं सत्यापन कार्य जो है वो तेजी से चल रहा है, इसे लेकर विभाग का आदेश जो है वो जारी हो रहा है। देख सकते हैं गाइस हर न्यूज़पेपर में खबर आई है कि टीटी एसटीटी पास नियुक्त शिक्षक दे सकेंगे प्रधान शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। तो कहीं ना कहीं प्रधान शिक्षक जो नियुक्ति की परीक्षा है इसमें एसटीटी पास अभ्यर्थियों को भी मौका देने की बात जो है वो कही जा रही है। तो अच्छी अपडेट। वहीं देखिए गाइस जिस प्रकार से एसटीटी मैथमेटिक्स का रिवाइज रिजल्ट की समरी जारी कर दी गई है आप सभी ने देखा होगा। उसके बाद देखिए एक सवाल उठ रहा है, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे जब शिक्षा मंत्री से ये पूछा गया था कि एसटीटी के बारे में तो क्या क्या उत्तर आए हैं, देखिए क्या यह बात सही है कि एसटीटी 2019 के विज्ञापन के अनुसार कुल 37,000 रिक्तियों के विरुद्ध उतने ही अभ्यर्थियों की विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची जारी कर उन्हें नियुक्ति दी जाएगी तथा 12 मार्च 2021 के परिणाम में 24,599 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई घोषित कर उन सबकी नौकरी पक्की समझी जाए की बात सरकार द्वारा कही गई। शिक्षा मंत्री से कई सारे प्रश्न जो है पूछे गए थे एक नोटिस के माध्यम से, उसमें क्या क्या जवाब आया है
वस्तु स्थिति यह है कि ST 2019 के आयोजन के संदर्भ में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विज्ञप्ति संख्या PR 373/2019 एवं PR 390/2019 द्वारा 15 विषयों के लिए कुल 37,440 रिक्ति विज्ञापित है। संदर्भित विज्ञापन में यह उल्लेख नहीं था कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति दी जाएगी। तो देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि नहीं, विज्ञापन में ऐसा नहीं था कि नियुक्ति दी जाएगी। दिनांक 12 मार्च 2021 को 12 विषयों का परीक्षा फल प्रकाशित किया गया, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 69,581 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए। इन्होंने कह दिया है दिनांक, देखिए यहाँ पर फिर पूछा गया है क्या यह बात सही है कि 21 जून 2021 को जारी 24,590 अभ्यर्थियों की मेधा सूची में गड़बड़ी हुई तथा सरकार नियुक्ति के बजाय नियोजन की घोषणा कर संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन मूल विज्ञापन में बदलाव कर रही है। तो देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए थे जिनका कि कैसा जवाब दिया गया है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे वही बात लिखी है, दिनांक 21/5/2021 को शेष 3 विषय का परीक्षा फल के साथ सभी 15 विषयों की मेधा सूची प्रकाशित की गई। देख सकते हैं लिखा है इस परीक्षा फल में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। तो साफ तौर पे देखिए विभाग से जो भी बातें पूछी गई है उसका स्पष्ट जवाब दिया गया है और कह दिया गया है कि भाई जो क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या पहले 37,000 बताई जा रही थी, लेकिन 80,000 के आसपास अभ्यर्थियों को क्वालिफाइड बताया गया है। तो बड़ी अपडेट है, पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए गाइज। और आप देख सकते हैं कि STT को लेकर जिस प्रकार से अभ्यर्थियों की मांगें तेज हो रही है, अनशन चल रहा है, मूल विज्ञापन में जो बदलाव किया जा रहा है उसके लिए ये बात कही जा रही है कि भाई जो विज्ञापन में बदलाव किया जा रहा है वो सही नहीं है। तो अब देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल बड़ी बड़ी खबर जो है सामने उभर के आ रही है। चलिए इस वीडियो में इतने, धन्यवाद। जय हिंद।